फिल्म की शुरुआत में हमें अक्टूबर 1943 का फिलाडेल्फिया शहर दिखाया जाता है, जहां हम डॉक्टर जेम्स को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं, जो कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी उनका दोस्त उन्हें आराम करने के लिए कहता है, जिस पर वो जवाब देती कि हमसे कुछ तो छूट रहा है, जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि हमने सभी चीजों को कई बार जांचा है और हमसे कुछ भी नहीं छूटा है, कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम एक नया इतिहास बनाने वाले हैं, इसलिए तुम सो जाओ और ज्यादा ना सोचो, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक पार्टी देखते हैं जहां डेविड अपनी गर्लफ्रेंड और जिमी अपनी बीवी पैमेला के साथ जो कि प्रेग्नेंट होती है। दरअसल जिमी और डेविड बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों यूएस नेवी में सेलर्स हैं। आगे हमें पता चलता है कि कल से इन लोगों को एक महीने के लिए जहाज पर जाना होगा। इसके बाद पैमेला पार्टी में डांस करते करते थक जाती है, इसलिए डेविड उसे ले जाकर बैठा देता है, जहां पैमेला और डेविड आपस में बात करने लगते हैं और पैमेला बताती है कि वो कल ही कैलिफोर्निया में रहने के लिए जा रही है, जिसके बाद पैमेला डेविड से विनती करती है कि वो जिमी का ध्यान रखे। अब अगले सीन में हम डेविड और जिमी को फिलाडेल्फिया फोर्ट जाते देखते हैं, जहां से उन्हें यूएसएस एल्ड्रिज नाम के एक जहाज पर भेजा जा रहा होता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स और क्रू मेंबर जहाज पर पहुंचते हैं। जिमी और डेविड वहां पर लगे सारे यंत्रों और जनरेटर्स को चालू करते हैं और अब हम वहां पर डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट को देखते हैं, जो कि डेविड और जिमी से सारे उपकरणों को फिर से चेक करने को कहते हैं और उनके जाने के बाद जिमी डेविड से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा एहतियात क्यों बरता जा रहा है। दरअसल डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट और यूएस नेवी साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को इस जहाज पर टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो ये देखेंगे कि ये जहाज उस एक्सपेरिमेंट की वजह से रडार से गायब होता है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से यूएस नेवी अपने वॉरशिप को इस द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन के इलाके में बिना उसको पता लगे भेजना चाहती है, जो कि तभी हो सकता है जब ये जहाज दुश्मन के रडार से पूरी तरह से गायब हो जाए। लेकिन उस जहाज में जा रहे लोगों को इस एक्सपेरिमेंट की जरा भी भनक नहीं है, और डेविड और जिमी को भी नहीं। इसके बाद डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट के कहने पर जनरेटर्स और बाकी उपकरणों को ऑन कर दिया जाता है और अब जहाज के चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी बिखर जाती है। लेकिन फिर तभी जहाज के कर्मचारियों का शरीर अजीब तरीके से चमकने लगता है और कुछ लोग तो जल भी जाते हैं, जिसके बाद पूरी जहाज वहां से गायब हो जाती है और वो रडार पर बिल्कुल भी नजर नहीं आती। लेकिन जहाज को सच में गायब नहीं होना चाहिए था, जिसके बाद डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट जहाज से संपर्क करने को कहते हैं, लेकिन उस जहाज से कोई संपर्क नहीं हो पाता और पूरी जहाज कहां गई इसका कोई कुछ पता नहीं लगा पाता। इधर जहाज में जिमी और डेविड जनरेटर्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को करंट का झटका लगता है, जिसके झटके से जिमी गिर जाता है और फिर डेविड उसको अपने साथ लेकर बाहर भागता है और उसके साथ जहाज से नीचे कूद जाता है। नीचे कूदते ही वो लोग एक अजीब से अंधेरी खाई में गिरते चले जाते हैं, जहां वो फिलाडेल्फिया हार्बर के बजाय खुद को किसी रेगिस्तान शहर में रात के समय में पाते हैं। लेकिन वो शहर भी जल्दी गायब हो जाता है और अब वो लोग खुद को किसी सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच पाते हैं, जहां चारों तरफ अंधेरा होता है और दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। फिर तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आसमान से दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, जिससे बचने के लिए दोनों भाग पड़ते हैं और जिमी एक लोहे के जाली वाले गेट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत तेज का बिजली का झटका लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी फिर आसमान से एक बिजली उस हेलीकॉप्टर को लगती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर एक ही पल में नष्ट हो जाता है, जिसके बाद डेविड जिमी को लेकर वहां से भागता है और अब दोनों के थके हारे चलते चलते सुबह हो जाती है। काफी ज्यादा चलने के बाद उन्हें एक रोड मिलता है जहां उन्हें सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लगता है, जैसे कि ये सब उनके समय का ना हो। वो लोग अब एक कैफे में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वो नेवाडा के पास एक सुनसान रेगिस्तान के इलाके में। उसके बाद डेविड बाहर जाकर फोन से नेवी से संपर्क करने की कोशिश करता है। इधर जिमी अपने आसपास की चीजें देखकर बहुत ही हैरान था। डेविड फिर बाहर एक लड़की को देखता है जिसका नाम एलिसन होता है और वो बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि वो किसी के कहने पर जॉब के लिए लॉस एंजलिस जा रही होती है और उसे पता चलता है कि उस आदमी ने उसे झूठ बोला था। डेविड अब नेवी को फोन मिलाता है, लेकिन वहां से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ कैफे में अचानक से वहां की लाइट जलने बुझने लगती है और वहां का मौसम भी कुछ बिगड़ने लगता है कि तभी जिमी का हाथ अचानक से चमकने लगता है, जैसे कि वो एकदम से जल रहा हो, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और उसके खड़े होते ही उसके अंदर
अंदर से एनर्जी वेव्स निकलकर पीछे रखी आर्केड गेम की मशीन को नष्ट कर देती है, जिससे जिमी बाहर की तरफ भागता है क्योंकि कैफे का मालिक भी एक रिवॉल्वर लेकर जिमी का पीछा करता है। बाहर जाने पर उसे डेविड मिलता है कि तभी कैफे का मालिक आकर दोनों से आर्केड गेम्स की मशीन के पैसों की मांग करता है, जिस पर डेविड उसकी रिवॉल्वर छीनकर पास ही में खड़ी एक कार में बैठकर वहां से भागने की सोचता है। लेकिन डेविड को गाड़ी में कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसे चलाया कैसे जाता है। एलिसन वहीं पास में खड़ी सब कुछ देख रही होती है और डेविड से बताती है कि ये कार ऑटोमेटिक है, इसलिए वो लोग एलिसन को भी गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी चलाने के लिए अगवा कर लेते हैं और वहां से तुरंत भाग पड़ते हैं। इसके बाद जिमी का जलता हुआ हाथ देकर एलिसन उसे हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है, जिस पर डेविड उसे आज की तारीख पूछता है और एलिसन के जवाब से उन्हें पता चलता है कि वो लोग 1984 में है, जो दोनों जानकर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग साल 1943 से थे, यानी कि दोनों 1943 के जहाज से गायब होकर किसी तरह से भविष्य में 41 साल आगे आ गए हैं, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। दूसरी तरफ उसी रेगिस्तान के एक अनजान इलाके को दिखाया जाता है जहां मिलिट्री किसी तरह की जांच कर रही होती है और वहां डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीड आते हैं जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि ये 1984 का समय है। उनकी बातों से अब हमें पता चलता है कि उन्होंने एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से पूरा नेवाडा शहर वहां से गायब हो चुका है और इसीलिए वहां का मौसम खराब होता रहता है। साथ ही साथ एक ब्लैक होल जैसा कुछ खुल जाता है जो कि आसपास की हर चीज को अपने अंदर निगल रही होती है और मौसम खराब होने की वजह भी वही ब्लैक होल है और कहीं ना कहीं यही कारण था जिमी के हाथ जलने का। डॉक्टर लॉन्स्टेड को पता चलता है कि दो लोगों ने कल यहाँ घुसपैठ की थी, इसलिए वो मेजर क्लार्क से उन दोनों आदमियों को पकड़कर उनके पास लाने को कहते हैं। इधर दूसरी तरफ डेविड, जिमी और एलिसन वॉशिंगटन जा रहे होते हैं कि तभी फिर से जिमी की तबीयत खराब होने लगती है और अचानक से उनके सामने पुलिस की गाड़ी आने से एलिसन से कार दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण डेविड और जिमी पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और जिमी को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद एक पुलिस वाला एलिसन को पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन फाइल करने को कहता है और उसे बताता है कि उन दोनों को कम से कम 12 साल की सजा होगी, जो सुनकर एलिसन थोड़ा नर्म पड़ जाती है। इधर डेविड जेल में होता है जिसको एलिसन की गवाही पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि एलिसन के हिसाब से 12 साल की सजा उनके लिए बहुत ज्यादा है और ये लोग पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है और डेविड एलिसन के साथ जिमी को देखने जाता है जहां जिमी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है, जिसके बाद डॉक्टर डेविड से उनके बारे में सवाल करते हैं तो डेविड उन्हें सब कुछ बता देता है कि किस तरह वो 1943 से अनजाने में समय यात्रा करके वो लोग अब 1984 में आ गए हैं और तब से ही जिमी को ये तकलीफ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर उसका विश्वास नहीं करता। पर तभी जिमी की तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो जाती है और फिर वहां का मौसम भी एकदम खराब होने लगता है, जिससे खिड़की के कांच टूट जाते हैं और देखते ही देखते जिमी अचानक से वहां से गायब हो जाता है, जो सभी देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब इसके बाद डेविड निराश होकर वहां से जाने लगता है कि तभी मेजर क्लार्क वहां मिलिट्री पुलिस के साथ डेविड को पकड़ने आ जाते हैं और डेविड उनसे बचकर भागने लगता है और बाहर जाने पर एलिसन गाड़ी लेकर आती है और डेविड को वहां से निकलने में मदद करती है, जिसके बाद वो लोग रात एक होटल के कमरे में बिताने के लिए रुकते हैं जहां डेविड एलिसन को जिमी की पत्नी पैमिला के बारे में बताता है और एलिसन पैमिला का फोन नंबर पता करके उसको फोन लगाती है और डेविड से बात करने को कहती है, लेकिन डेविड उससे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे लग रहा था कि जिमी को कुछ हो गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीड कह रहे होते हैं कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये वेरटेक्स धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने अंदर निगल लेगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि सारी ऊर्जा को बंद करने के बाद भी इसको किसी और जगह से ऊर्जा मिल रही है, हमें उसी ऊर्जा सोर्स को ढूंढकर बंद करना होगा। दरअसल ये वेरटेक्स एक तरह का ब्लैक होल है जो कि टाइम और स्पेस में छेड़छाड़ की वजह से एक वैक्यूम जैसा खाली स्पेस बना देता है और सब कुछ अपने अंदर समा रहा होता है। अगले सीन में हम डेविड और एलिसन को पैमिला के घर पर देखते हैं जहां पैमिला डेविड को पहचान जाती है और जिमी के बारे में पूछने पर बताती है कि वो तो सही सलामत वहां से वापस आ गया था, लेकिन अब भी वो उस मंजर को याद करने से डरता है क्योंकि जहाज के बाकी लोग बुरी तरह से जल गए थे और कुछ के तो हाथ पैर भी उसी जहाज से जुड़ गए थे जैसे कि वो जहाज का ही एक हिस्सा हो, जबकि वो जिंदा थे। फिर डेविड अपने बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो तो वापिस ही नहीं लौटा था, जिसके बाद डेविड बूढ़े जिमी को घोड़े की सवारी करते हुए देखता है, इसलिए
इसलिए उसे बात करने पड़ता है। लेकिन जिमी डेविड को पहचानने के बाद भी उससे कोई बात नहीं करता, इसलिए उन्हें वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। इधर हॉस्पिटल का डॉक्टर जिसने जिमी का इलाज किया था, वो डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट के दिखाए यूएस एलब्रिज जहाज की क्रू की फोटोज में से जिमी और डेविड को पहचान लेता है। और अब डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट का शक यकीन में बदल जाता है कि ये दोनों घुसपैठियों 1943 से यहाँ आए थे। वो मेजर क्लार्क को तुरंत डेविड को ढूंढकर उसके पास लाने का आदेश देते हैं। इधर डेविड का फिर से मेजर क्लार्क पीछा करता है, लेकिन वो उसको चकमा देकर आसानी से निकल जाता है। जिसके बाद डेविड उसी जगह जाने का फैसला करता है जहाँ वो टेलीपोर्ट होकर आया था। जहाँ पहुंचने पर उसे डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उनसे मिलने का मन बनाता है क्योंकि सिर्फ वो ही जो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले सीन में डेविड डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट के ठिकाने पहुंचता है जहां उसे उनका असिस्टेंट बार्नी मिलता है, जिसे गन पॉइंट पर लेकर डेविड डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट तक पहुंचता है। अब डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आगे वो बताते हैं कि उस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट असफल होने के बाद हमने काफी तैयारी करके 40 साल बाद उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार एक पूरा शहर ही गायब हो गया था, इसलिए हमने सारे उपकरणों और जनरेटर्स को बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इस वर्टेक्स को किसी और जगह से पावर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वर्टेक्स वहीं बना हुआ है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये वर्टेक्स नुमा ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा होकर अपने अंदर सब कुछ निगल लेगा, जिससे ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये सब रोकने के लिए तुम्हें इस टाइम वर्टेक्स के अंदर जाना होगा और इसके वॉइड में पहुंचकर उस जगह के जनरेटर को ऑफ करना पड़ेगा, फिर तभी ये सब रुकेगा। डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट डेविड से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही उस वर्टेक्स में जा सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि दोनों घटनाएं इस टाइम वर्टेक्स के कारण आपस में जुड़ गई है और उसी जगह के जनरेटर से इसको पावर मिल रहा है। वही 1943 में तुम वापस तो नहीं आए, लेकिन लोगों ने तुम्हें वहां जनरेटर बंद करते देखा था, और अब जाके मुझे इन सब का मतलब समझ में आया कि अब दुनिया बचाना तुम्हारे हाथ में। ये सब सुनकर डेविड ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एलिसन से विदा लेकर उस वर्टेक्स के अंदर जाता है और उसी जहाज पर पहुंचकर जिमी को वहां बेहोश पड़ा पाता है। इधर जहाज में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन सबसे पहले डेविड एक कुल्हाड़ी लेकर सब कुछ नष्ट कर देता है और बाहर आकर जिमी से मिलता है और कहता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन मेरी तुमसे भविष्य में मुलाकात जरूर होगी। जितना कहकर डेविड जहाज से नीचे कूद जाता है और अब जहाज सबको दिखने लगती है। जहाज के लोगों का पर वही हाल हुआ था जैसा पैमेला ने डेविड को बताया था, उसमें से सिर्फ जिमी ही सही सलामत बचा था। इधर 1984 में नेवाडा शहर सबके सामने फिर से प्रकट हो जाता है और डॉक्टर लॉन्गस्ट्रीट समझ जाते हैं कि डेविड ने अपना काम कर दिया, जिसके तुरंत बाद एलिसन, जो कि डेविड से प्यार करने लगी थी, जीप लेकर नेवाडा शहर में पहुंचती है जहां उसे डेविड उसका इंतजार करते हुए मिलता है और दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अभी मूवी देखकर तो हमें समझ में आ गया कि ये एक तरह की टाइम ट्रैवल मूवी थी, पर इसे पूरी तरह से एकदम ध्यान से भी देखने के बाद हमें हमारे एक सवाल का जवाब मूवी से नहीं मिलता कि डेविड और जिमी में से सिर्फ जिमी को ही तकलीफ क्यों होती है और वो गायब होकर कैसे फिर से जहाज में पहुंच जाता है, जो शायद मेरे हिसाब से 1984 में पहले से ही जिमी का भविष्य का वर्जन रहा था और दूसरा जिमी 1943 से आया था, क्योंकि एक ही समय पर जिमी के दो वर्जन एक ही साथ मौजूद थे, इसीलिए पास्ट वाले जिमी को वर्टेक्स ने उसी जहाज के अंदर वापस फेंक दिया। लेकिन ऐसा डेविड के साथ नहीं हुआ और यहाँ रुकना उसका एक तरह से डेस्टिनी था ताकि वो लूप को कंप्लीट कर सके। बाकी आपकी क्या थ्योरी है और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।